ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। This is house and I am the speaker of this house. I will maintain the order. Mind it. आज स्पीकर साहब का रवैया जो था वो इतना जाबराना अमराना और वो था, तो मैं हैरान हो गया हूँ कि मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता था। अगर ये सब करेंगे तो I will maintain the order and preserve that right of the leader of the house to speak just the leader of the opposition का matter है। वेरी वॉर्म वेलकम टू न्यूज़लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। कल तक पीटीआई मुज़ाकरात का राग अलाप रही थी और फिर जब वज़ीर आज़म साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की तो पीटीआई ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और जवाब ये बनाया कि पीटीआई को नहीं लगता कि एक तो हुकूमत जो है वो संजीदा है और दूसरा ये कि हुकूमत के पास वो मैंडेट भी नहीं है। अब इसकी जो शरायत रखी पीटीआई ने, पीटीआई का ये कहना है कि अगर वाकई हुकूमत ये अपना जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी शो करना चाहती है तो फिर ये करना चाहिए, हुकूमत की जानिब से ये होना चाहिए कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनको रिहाई जो है उनकी अमल में आनी चाहिए और साथ ही साथ पीटीआई के जो दीगर रहनुमा हैं जो पाबंद सलासल हैं उनकी भी रिहाई अमल में आनी चाहिए। पीटीआई का ये मानना है कि ये शरायत जो हैं ये हकूमत को कभी भी जो है वो कबूल नहीं होंगी, बिकॉज हकूमत को इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में जो हैं वो सूट करते हैं। इन बातों के रद्द अमल में जो है वो आज भी ख्वाजा आसिफ साहब से एक बयान जो है वो मंसूब किया जा रहा है जिसमें उनका ये कहना है कि हकूमत को बानी चेयरमैन से कोई ख़तरा नहीं है और हकूमत वाकई ही मुज़ाकरात के लिए जो है वो संजीदा भी है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि वाकई ही अगर हकूमत संजीदा है, अगर डायलॉग के लिए हकूमत संजीदा है तो फिर उसके कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद क्यों, हकूमती कैंप से फिर इस तरह की आवाज़ें क्यों सुनने में आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जी हमें तो लोग जो हैं वो मशवरे दे रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब 5 साल जेल में रहेंगे तो तभी जो है ये जमहूरियत का तसलसल रहेगा, तभी जो है वो तरक्की जो है वो इस मुल्क में आ सकती है, इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं। साथ ही साथ कल जो पंजाब असेंबली में हुआ, पंजाब असेंबली में मतलब कोई पहली दफ़ा नहीं है, एंड ऑफ कोर्स वो नॉट कंडोनिंग इट, जो पंजाब असेंबली में हुआ नहीं होना चाहिए था, बट माजरत के साथ ये हमारी जो पार्लियामेंट्री रवायात हैं उनमें ये चीज़ें आ गई हैं कि इस तरह का रकस हर असेंबली सेशन में जो है वो नज़र आता है। लेकिन उसके रद्द अमल में PMLN की हकूमत जो पंजाब की हकूमत है उसका बड़ा सख्त किस्म का जो है वो रद्द अमल आया। चले आपने अगर मेम्बर्स की जो है वो मेम्बर्स की आपने जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड करनी है कुछ सेशंस के लिए, फाइन दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, आपने डिबार करना है किसी को वो समझ आती है, बट हैविंग सेड दैट अगर आप ये करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जो मरात है उसको विड्रॉ कर लेंगे, उनकी गाड़ी विड्रॉ कर लेंगे, उनका स्टाफ जो है वो रिकॉल कर लेंगे, तो इससे तो लगता है कि हकूमत जानबूझकर नहीं चाहती कि वो कंड्यूसिव एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए जिससे जो है वो मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आए। और इससे जो पीटीआई का ये जो पीटीआई का ये मानना है कि बानी चेयरमैन जेल में जो है वो उनको सूट करता है, PMLN को सूट करता है और हकूमतें वक्त ये नहीं चाहती कि ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो ताकि PMLN के लिए कोई मसले जो हैं वो क्रिएट हो और PTI के लिए कुछ रस्ते जो हैं वो क्रिएट हो, वो नहीं चाहते क्योंकि हकूमतें वक्त और एलाइड पार्टीज़ का बका इसी में है कि PTI के मामलात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से तय ना हों। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये फिर जो एक आज की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कुछ SOPs लाहौर हाईकोर्ट से जो लाहौर हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने कुछ SOPs जो हैं वो जारी किए हैं vis-a-vis इंटरफेरेंस इन द जुडिशरी। तो क्या अगर हुकूमत इन SOPs पर जो है वो अमल दरामद करा लेती है तो जो एक खलीज है जुडिशरी और इस वक्त हुकूमत के दरमियान, क्या उसको कम करने में कोई जो है वो किरदार अदा किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शुहेब शाहीन साहब मौजूद है, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मायजा हमीद साहिबा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट अथर काजमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोड्यूसर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, मलिक अहमद खान स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं।
वो लीडर जो मेजोरिटी को लीड करता है उसको बोलने का हक सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं है कि वहां पर जो अकलियत है वो गाली के साथ, शोर के साथ, अपनी गुंडागर्दी के साथ मेजों और कुर्सियों पर चढ़ के, जिनके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, जहां पर कुरानी आयात लिखी है, उन कागजात के पुर्जे करके, पैरों के तले रूंद कर, उन इस्लामी शायर की तौहीन कर अगर ये सब करेंगे तो आई विल मेंटेन द ऑर्डर। अच्छा शुएब साहब, आपसे शुरू करती हूँ। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ऑफकोर्स मैंने अपने इब्तदाई में ये कह दिया कि बड़े सख्त किस्म के जो हैं वो मेजर्स हैं, और मेरा नहीं ख्याल अनप्रेसिडेंटेड किस्म के मेजर्स हैं। मुझे लेकिन ये बताइए कि आपके पास इस वक्त रिमीडियल मेजर्स के लिए आप क्या सोच रहे हैं, स्पेसिफिकली इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 69, जिसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशन या कहती है कि जी प्रोसीडिंग्स ऑफ द मजलिस शूरा शैल नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन। इसके पीछे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत जो है वो छुप रही है। आपके पास इस वक्त रिमीडियल मेजर्स क्या हैं, अगर मुझे ये बताना चाहें? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जिस अंदाज से ये कठपुतली पंजाब की हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, जिस अंदाज से गवर्नर्स को कर रही है या पार्लियमान को चला रही है, ये किसी लिहाज से एक मिसाली तो दूर की बात है, एक जमहूरी अखलाकी और आइनी हुकूमत भी उनको नहीं कह सकते। देखें, इसमें तो किसी को शक नहीं है कि ये कब्जा ग्रुप हैं, ये डाक काजनी के जरिए वजूद में आने वाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की पैदावार है। ये आज इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, इंटरनेशनल वर्ल्ड भी कह रही है। अमरीकी माने नुमाइंदगान की करारदाद के बाद क्या चीज़ बाकी रह जाती है? अल जजीरा की रिपोर्ट आप पढ़ लें, बाकी यहाँ जो तीनों इदारे हैं हमारे, पटन की रिपोर्ट पढ़ लें, फाफन की पढ़ लें और पेल्डार्ट की भी पढ़ लें, तो वो सारे ये इस बात को साबित करते हैं। और पूरे मीडिया ने दिखाया है कि ये सारे हारे हुए लोग हैं जो 16-17-18 सीट के साथ प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है। वो कहती है कि मेहनत करनी पड़ती है जी टिकटॉक बनाने के लिए भी, भाई वाकई मेहनत करनी पड़ती है। और वो जो कैमरे हैं ये शायद हॉलीवुड या बॉलीवुड में भी पता नहीं किस ऐसे नहीं होंगे जो हम यहाँ उसके लिए देख रहे हैं, और उसके बावजूद सुबह शाम उसके ऊपर जो लानत बरस रही है, और मुझे ये अल्फाज कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है कि बात यह है कि आपने जिस तरह मीडिया का मुंह बंद करने के लिए वो एक घटिया किस्म का कानून ले आए हैं, और जिस अंदाज से आप लोगों के आवाज़ें बंद कर रहे हैं, अगर आपकी बात में इतना वजन है, अभी भी 5 अरब 60 करोड़ रुपया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में रख दिया है अपनी तस्वीर छपाने के लिए, वो जनाब आप 5.5 अरब रुपए से भी ज्यादा की पैसे जाया कर रहे हैं। मेरे आपके पास, आम आदमी के पास खाने को नहीं है, बिजली के बिल देने को नहीं है, और इनकी बदमाशी और अय्याशी खत्म नहीं हो पा रही। इसी तरह आप देख लें, पिछले साल भी इन्होंने पीडीएम मान ने 11 अरब रुपए के सिर्फ जनाब मीडिया के लिए रख लिए थे। अगर ये तर्ज हुकूमत है, 800 अरब रुपए इस वक्त किसानों का ज़ाया हुआ है इस वक्त इसके दौरे इक्तदार में, और जो $1 बिलियन वो जो गलत शुएब साहब ये आपकी बातें अपनी जगह, मैं उनको निगेट नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि रिमीडियल मेजर्स इस वक्त आपके पास क्या हैं, क्या करने जा रहे हैं? बिकॉज जैसे मैंने आर्टिकल 69 का हवाला दिया, तो हुकूमत तो इसके पीछे छुप रही है, पंजाब की हुकूमत इसके पीछे छुप रही है कि आप इसको तो लेके नहीं जा सकते, कोर्ट में तो आप लेके नहीं जा सकते, क्या करेंगे? अभी इस पे हमारी संजीदगी के साथ डिस्कशन जारी है, लेकिन मैं आपको इसका बताना चाहता हूँ कि ये बात कि आर्टिकल 69 क्या एप्लीकेबल है इन सरकमस्टांसेस में या नहीं है, उसके बारे में कासिम सूरी की जजमेंट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। कासिम सूरी ने जो फाइंडिंग्स दी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर सेटिसफाइड कर दिया। इसी तरह दोस्त मोहम्मद मजारी ने जो रूलिंग दी थी परवेज इलाही वाले केस में, हमजा शहबाज वाले केस में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर सेटिसफाइड कर दिया था। देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल काम और गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आइनी और आइनी काम के में फर्क होता है। कोई भी आईनी के अंदर रहते हुए आप जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं कि जी ये रूल है, ये मोशन है, इसके ऊपर ये बजट का इजलास जा रही है, इसने फलां तकरीर कर दी, जो रूटीन मैटर्स हैं उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन कहीं भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, कहीं भी इलीगल काम होगा, कहीं भी वायलेशन, इसका मतलब मंडे तक आप इसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं, आप अपनी आवाज कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, चूंकि मैं मरकज में हूँ, पंजाब का मामला है और मेरी डिस्कशन अभी नहीं हुई इस मौजू पे, इस पे संजीदगी डिस्कशन जा रही है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये मुझे नहीं पता कि हमारी पार्टी चैलेंज कर रही है या नहीं कर रही, मेरे नॉलेज ठीक है। अतर काजमी साहब की तरफ चलती हूँ। अतर काजमी साहब,
मीडिया को ये लोग जो हैं वो गैग करना चाहते हैं, ऑपोजिशन की आवाज़ जो है, डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं उनको ये जो है वो गैग करना चाहते हैं। सो बेसिकली हर वो आवाज़ जो वो राग नहीं अलापेगी जो आप सुनना चाहते हैं उसको गैग करने का जो है ये एक दफ़ा ये इससे नज़र आता है कि ये बंदोबस्त जो है वो करने के लिए तैयार है। कोई आवाज़ डिसेंटिंग वॉइस जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पहली दफा नहीं हुआ, असेंबली में एहतजाज भी होता है। इसी असेंबली में हमने देखा जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे उनको तकरीर नहीं करने दी गई, आगे पीछे उनके एमएनएस खड़े थे और अपोजिशन मसलसल नारे लगा रही थी। आईएमएफ के मामले पे एहसन इकबाल साहब, दीगर मौजूद लोग स्पीकर के डेस्क के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि तुम गद्दार हो, और पेपर फाड़ फाड़ के वहां पे फेंक रहे थे, सीटियां मार रहे थे। कितने लोगों की उनके दाखिले पे पाबंदी लगाई गई। मलिक अहमद खान साहब तो आज जिस तरीके से वो मुखातिब थे, जो वो बात कर रहे थे, लग रहा ऐसे था कि वो नॉर्थ कोरिया की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। किम जोंग उनके तर्जुमान बने हुए थे वो, बड़े अच्छे शख्स हैं, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, नफीस इंसान है, लेकिन इतना गुस्सा कि मैं पार्लियामेंट में नहीं आने दूंगा। कौन सी ऐसी क्यामत आ गई, कौन सी ऐसी शाही फैमिली की गुस्ताखी हो गई वहां पे कि ये कोई अनोखे लोग हैं कि इनके खिलाफ एहतजाज नहीं होगा। बीबी खड़ी होती थी तो बीबी के खिलाफ एहतजाज होता था, मियाँ साहब के खिलाफ होता था, जो भी यहाँ पे हुक्मरान आया है, मुशर्रफ असेंबली में आए तो मुशर्रफ के खिलाफ नारे वहां पे लगे, उन्होंने वो नारे बर्दाश्त कर लिए, लेकिन मरियम बीबी से नारे बर्दाश्त किए हुए। और इसमें जो स्पीकर साहब का किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन है। स्पीकर इज सपोज्ड टू बी द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, नॉट के वो नून लीग के नुमाइंदे नहीं है। तो वो तो वहां पे किम जोंग उन बने में मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने नॉर्थ कोरिया बना दिया है पंजाब की असेंबली को, के अंदर कोई आ नहीं सकता, हमारी मर्जी के बगैर कोई बात नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, ये रवैये मुनासिब नहीं। और फिर मलिक अहमद जैसा बंदा जिनके हवाले से कहा जाता है कि बड़े शुस्ता जुबान में वो बात करते हैं, बड़े धीमे लहजे में वो बात करते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन मेरे ख्याल में मलिक साहब को इतना गुस्सा, अब खुदा ना खास्ता उनको किसी ने कुछ सख्ती से उनसे बात की है कि क्यों इतनी गुस्ताखी हो गई मरियम बीबी की शान में कि वो खड़ी नहीं थी और लोग उनको बोलने नहीं दे रहे थे, ऐसा तो नहीं होता। असेंबली है, असेंबली में हर किसी ने बोलना है, कुछ बातें मुनासिब होती हैं, कुछ से आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये वो मारिया में एक छोटी सी बात पे डॉक्टर साहब खत्म करूंगा, ये वो लॉबिंग है, ये वो हरकतें जिसकी वजह से अमरीका की कांग्रेस भी इनके खिलाफ करारदादें मंजूर कर रही है, इसी वजह से कि ये जो हरकतें क्या ये किसी जमहूरी मुल्क में हो सकती हैं? इनके जो अकलमंद दोस्त हैं इनको समझाएं, खुदारा पहले जो आपकी साख है आलमी सतह पे उसकी जो कुछ रह गया उसमें वो हमें पता है, तो इस तरह की हरकतें जो आप कर रहे हैं ये वो लॉबिंग है जिसकी वजह से अमरीका में वो करारदाद आई है। अच्छा माइजा साहिबा की तरफ चलते हैं, उनकी ऑडियो फिक्स हो गई है। माइजा साहिबा, स्पीकर का बिल्कुल ये सवाब दीदी इख्तियार है कि उसने डिकोरम जो है वो मेंटेन करना है, उसने हाउस का ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ पे, जैसे अभी असर काजमी साहब भी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे पार्लियामानी रवायत का ये कहीं हिस्सा बन गया है कि अगर मुखालिफ चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इमरान खान साहब का भी वो हवाला दे रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, उनको तकरीर नहीं करने दी जाती, जो कि गलत है लेकिन होता है। उसके रद्द अमल में चले मुझे ये समझ आती है कि अगर कुछ अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था तो जो मेंबर्स हैं, जो फाजिल मेंबर्स हैं, उनको आप उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दें जैसे कर दिया गया, या उनको जो है वो डिबार कर दें, वो भी समझ आती है, बट इतना जो है वो इस एक्सटेंट पे जाना कि जी आप उनकी जो है वो मरात वापस ले लें, लीडर ऑफ अपोजिशन की, उनकी गाड़ी वापस ले लें, उनका स्टाफ रिकॉल कर लें, मतलब ये डिक्टेटरशिप में भी हमने नहीं देखा, मुशर्रफ साहब के टाइम पर भी नहीं देखा, ये क्या हो रहा है? देखिए मारिया, बात यह है कि ये जमहूरियत ही थी पिछले, जब 3 साल में इमरान खान साहब थे हुकूमत में, उस वक़्त जमहूरियत ही थी जब उन्होंने जो लोग डिसेंटिंग वॉइस होती थी, जो वो डिसेंटिंग वॉइस होती थी या जो भी जो है ऑपोजिशन पार्टी का बंदा होता था उसको इंतकाम का जो है वो निशाना बनाते थे, उनको पार्लियामेंट में आने नहीं दिया जाता था। ऑल्दो दे हैड द राइट टू कम टू द पार्लियामेंट इवन इफ दे वर हेल्ड इन जेल्स। तो देखिए मुझे ये बताएं कि कहाँ पे जमहूरियत, जब इमरान खान ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं जमहूरियत के, एक खातून चीफ मिनिस्टर हैं वो बस स्पीच कर रही हैं, आप बदतमीज़ी करी जा रहे हैं, बदतमीज़ी करी जा रहे हैं, गैर पार्लियामानी बातें करना शुरू कर देते हैं,
अपर हाउस में भी, लोअर हाउस में भी, मतलब आपकी कोई वो नहीं है, बार नहीं है कि जहाँ पे जाके पार्लियामानी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को जो है मेंटेन किया जाए? सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब ने जो है जो सिखाया कि बदतमीजी शुरू कर दो, लोगों को हरास करना शुरू कर दो, लोगों को इंटरप्ट करना शुरू कर दो, दैट बींग सेड, देखें बदतमीजी में और एहतजाज में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और जो बदतमीजी करता है ना उसको जो है वो पार्लियामान में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और ये जमहूरियत के नॉर्म्स हैं। जब इमरान खान साहब इस लेंथ पे जाते थे कि जो बंदा एहतजाज करता था या उनके सामने खड़ा होता था उसको इंतकाम का निशाना बनाते थे, उन पर केसेस होते थे, उनके उनको जो है जेलें होती थीं, ये जो जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं आज वही जो है इनको जो है वो बोने पड़े हैं। देखें किसी को किसी के साथ ये पार्टी की आदत पड़ गई, आदत हो गई है कि पीटीआई ने बदतमीजी करनी है। अगर आर्ग्यूमेंट विन नहीं कर रहे, अगर काम जो है वो नहीं दिखा सकते, तो फिर बस बदतमीजी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। देखें ये चीज़ बर्दाश्त अच्छा मुझे देखें कारकर्दगी की बात करें ऑपोजिशन लीडर कि हमने 3 साल में क्या किया और बीबी जो हैं वो 100 दिनों में क्या कर रही हैं, आप किस तरह की गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरह की है? मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ये अपने लीडर को क्या। और फिर दूसरी बात है जो ये मेरे भाई कह रहे हैं इंटरनेशनली हम बदनाम, इंटरनेशनली हम बदनाम इमरान खान साहब की वजह से हो रहे हैं, आप लोगों को कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, और आप जो हैं जब आप नेशनल नेशनल असेंबली में करारदार दायर रेजोल्यूशन आई एंड देन यू रिफ्यूज टू जॉइन द फैक्ट दैट यू नो अमेरिकन इंटरफेरेंस इज नॉट अलाउड इन पाकिस्तान, एंड आप लोग गाजा पे बात नहीं करते, आप जो है बाकी मुझे जो आपकी बात कॉम्प्रोमाइज बात हो गई, बात नहीं आपकी, करते आपकी बात हो गई, सिर्फ इमरान खान साहब को जेल में, एक मिनट, इमरान खान साहब को जेल में खुश करना, एक मिनट हो गया ना, बात आपकी बड़ी लंबी हो गई, अगर मुझे प्लीज इजाजत दीजिए, आप पार्लियामेंट को जो है वो एक नॉर्म उसकी सेट, ठीक है वो एक बिल्कुल नॉर्म बिल्कुल सेट करें, आई अग्री 200%। इसी पार्लियामेंट में हमने देखा है कि शेख रशीद साहब जब आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक था, अब आई डोंट थिंक कि वो भी इसको कंडोन करेंगे, बीबी के साथ उन्होंने क्या नहीं किया, क्या उसके बाद कोई इस तरह के इकदाम जो हैं वो लिए गए या आपकी पार्टी ने क्या उनको रेप्रमांड भी किया? नहीं किया। अगेन आई एम नॉट कंडोनिंग दिस बिहेवियर, लेकिन मैं बता रही हूँ ये इस तरह की रवायात जो हैं ये हमारी सियासी कल्चर में इतना क्रीप कर गई हैं कि अब उनके उनसे जान बिल्कुल छुड़ानी चाहिए, लेकिन ये किस किस्म के इकदाम है? मैं कहती हूँ आप उनको बार कर दें, आप उनकी सस्पेंड कर दें, ये आपने जो मरात उनकी विड्रॉ की हैं ये कौन से कानून के तहत आपने कानून ये उनकी मरात जो है विड्रॉ की हैं? वो तो साफ लगता है कि फिर मतलब क्योंकि हमारी हुकूमत है तो हम जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं, किस कानून के तहत आपने उनकी स्टाफ को विड्रॉ किया है, किस कानून के तहत आपने उनकी जो व्हीकल है उसको विड्रॉ की है, जरा ये बता दीजिए प्लीज, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए आई एम श्योर स्पीकर साहब जो है उनका राइट बनता होगा, मुझे नहीं लॉ का पता पर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें तो उनका राइट बनता होगा कि वो विदड्रॉ कर सके, कंसिडरिंग के जो जितना वो लो जाते हैं एथिकली एंड मॉरली, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दे शुड लर्न अ लेसन, एंड आई रियली बिलीव इट, बिकॉज जब इनके सोशल मीडिया पे लोग आते हैं जो बदतमीज़ी करते हैं, जिस तरह की बदतहजीब किस्म की बात करते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस इज़ नॉट अलाउड, इनके लीडर की वजह से ये चीज़ें अलाउ नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी को कितना नीचे लेके जाना इन्होंने मॉरली एंड एथिकली, व्हेन जो है आपका लेवल ही ये स्टार्ट आपने किया, किसी को गाली दे दी है खातून प्राइम मिनिस्टर के साथ, आप लोगों ने शुरू किया, जो आप कह रही थी ना जो बोया है वही काटना पड़ेगा, ये आप लोगों ने भी बोया हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कभी किसी को गाली नहीं दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कभी स्टेज पे आके खवातीन को डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं दिए आउटराइट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी खातून की किसी प्राइम मिनिस्टर की बेटी को जेल में नहीं डाला। बात ये देखिए आपके लीडरान ने भी इस तरह की कोई बात नहीं की, माय साहिबा क्या आपके लीडरान ने भी ऐसी कोई बात नहीं की? मैं लीडरों की बात कर रही हूँ जिसको जो है मुआवजा कर रही हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब भूल गए, ख्वाजा आसिफ साहब देखें, ख्वाजा आसिफ साहब पीटीआई की खवातीन के लिए क्या कर चुके हैं?
मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी किसी के बारे में, किसी खातून के बारे में गलत बात नहीं की और इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड की है। जरा 90s की सियासत उठा के देख लीजिए, उस वक्त खैर ना वीडियोस आपको मिलेंगी, अखबारें आपको भिजवा सकते हैं, आपको अखबारें भिजवा सकते हैं 90s में जो कुछ हुआ। प्लीज माय साहिबा, यू नो, लेट्स कॉल स्पेड स्पेड एंड लेट्स ट्राई टू मूव ऑन। लेट्स नॉट प्रिटेंड कि जी हमने ये नहीं किया, जबकि माजी में एक जो रवायत है वो आप लोगों ने सेट की है, जो आज आप बो रहे हैं, जो आज आप काट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ जो है वो इस तरह के इकदामात हैं जो पंजाब में दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है, जो वजीर दिफा हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत के लिए इमरान खान का बाहर आना एक खतरा साबित हो सकता है? मेरे नहीं ख्याल के कोई ऐसी एक इनिशियल कुछ हो सकता है। पॉलिटिक्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनको थ्रेट नहीं समझना चाहिए, उनको टैकल करना चाहिए आपको सियासी तौर के ऊपर। अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की है उनको बातचीत करने की, डायलॉग की, उसको सीरियस लेंगे? मेरे नहीं ख्याल लेंगे, लेकिन हमारा फर्ज है कि ये ऑफर करते रहे, वी आर पॉलिटिकल एनिमल्स। आपकी अपनी पार्टी कितनी सीरियस है इस डायलॉग के लिए? हमारी पार्टी रेडी है। ऑफर्स पे एस्टेब्लिशमेंट की क्या पोजीशन है? एस्टेब्लिशमेंट को क्या एतराज हो सकता है अगर पॉलिटिकल फोर्सेस मिलके इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी का रास्ता अपनाएं? इमरान खान की तरफ से जो शराइत है उनमें से एक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बातचीत करेंगे। कर लें, मुझे क्या एतराज है? Do you see any way out? Not yet, but inshallah we are pursuing के रास्ते निकले। हमारी पार्टी रेडी है मुजाकरात के लिए, लेकिन साथ ही साथ एसएन इकबाल साहब अगेन PMLN स्टॉलवर्ट, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। PTI और इमरान खान साहब ने खुद को इंतशार और फसाद की सियासत से इस हद तक हमपला कर दिए अपने वजूद को कि अब लोग आकर कहने लगे हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो खुदा के लिए इस फसाद को 5 साल अंदर ही रखें। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये दोनों जो बयानात आपने सुने हैं और इसके साथ साथ राणा सनाउल्ला के भी बयानात हैं कि जी मतलब जिसमें वाजे नज़र आ रहा है कि हुकूमत चाहती है कि नए केसेस बने और इमरान खान साहब जो हैं वो पाबंदी सलासल रहें, आपको लगता है कि हुकूमत जो इस वक्त जो इम्पेडमेंट है, जो ये मुज़ाकरात के राह में जो सबसे बड़ी एक रुकावट है, जो इम्पेडमेंट है, वो हुकूमत खुद है? क्योंकि इमरान खान साहब अगर जेल में रहेंगे तो हकूमत और एलाइड पार्टीज़ को ये सूट करता है, दर हकीकत उनको एक्चुअली इमरान खान साहब से ख़तरा है, उनकी स्पेस तब तक रहेगी जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं। देखिए इसमें कोई शक को शुबा नहीं है, इन लोगों ने जो हरकतें की हैं पीडीएम मन की सूरत हो या जो आज तक जारी और सारी हैं, इनको पता है इस बात का कि जिस दिन इमरान खान ने बाहर आना है उस दिन की हुकूमत का आखिरी दिन होगा। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जब मुजाकरात होंगे सबसे पहले इनको वो जो डाकाजनी के जरिए या चोरी के जरिए जो अवाम का वोट चोरी किया है, जब मैंडेट पे डाका डाला है, वो वापस करना पड़ेगा, तो वो कैसे राजी होंगे? फिर दूसरी बात मुझे बताएं कि जिस अंदाज से चादर चार दीवारी की बमारी कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी के पर्चे बना रहे हैं, ये जादी झूठे मुकदमे बना रहे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने इस्लामाबाद की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लिए, यहाँ 1,05,000 वोट लिया, लेकिन जिसने 50,000 वोट नहीं लिया वो असेंबली में बैठा है, मैं बाहर बैठा हूँ। और फिर जब ट्रिब्यूनल ने, जस्टिस जहांगीरी साहब ने कहा कि भाई लाओ अपने सारे फॉर्म 45 और सारा रिकॉर्ड लाओ और एफिडेविट लाओ, भाग के चले गए हैं इलेक्शन कमीशनर के पास, जो ऑलरेडी मुजरिम है हमारे केस में, यानी जिसके खिलाफ हम गए हुए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, उन दोनों ने मिली भगत करके कहा कि नहीं ये जज हमें काबिल कबूल नहीं है, ऑर्डिनेंस ले आए और ऑर्डिनेंस के जरिए हम कोई रिटायर्ड जज अपना हैंड पिक बनाते हैं, उसके जरिए हम फैसले कराएंगे। और भाई ख्वाजा आसिफ रियाना डार से किसको नहीं पता वो हारा हुआ है, एहसन इकबाल की क्या हैसियत है? और ये बात करते हैं जमहूरियत की, एथिक्स की, आइन की, भाई किस मुंह से तुम वहां बैठ के अपने आप को कठपुतली हो? तुम कहते हो कि हम जीते हुए हैं, फॉर्म 47 की तुम पैदावार हो, हमारे पास सारा सबूत मौजूद है, हम लेके घूम रहे हैं, और फिर कहते हैं कि जी हमने तो बड़ी अच्छी रिवायात कायम की हैं। भाई आपने बीबी मरहूमा की, बेनजीर की जाली नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई थी, किसको नहीं पता है 90s में, 90 के इलेक्शन में आई थिंक। बात यह है कि आप अपने मुंह देखें, अपने किरदार देखें, अपनी आप हरकतें देखें। अच्छा जी हमें जेलों में डाला, भाई जो कुछ आपने पंजाब में कर छोड़ा है या जो आज तक करते जा रहे हैं, मैं खुद यहाँ 7वीं मेरे खिलाफ दहशतगर्दी की FIR है यहाँ इस्लामाबाद में,
मैं पाकिस्तान की तमाम टॉप पोजिशन पाकिस्तान बार काउंसिल से लेकर के इस्लामाबाद बार काउंसिल वाइस चेयरमैन और मेंबर और चेयरमैन ऑफ सम कमेटीज इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का सदर रहा हूँ, मेरे खिलाफ आप साथ इलेक्शन के बाद सातवीं एफ आई आर दहशत गर्दी की, इतनी आप कीना परवर और इस कदर आप हरकतें कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि बाहर की दुनिया हमें फरिश्ते क्यों नहीं कहती। बात यह है कि आप अपने किरदार को देखें, अपने आप कंडक्ट को देखें, आप आईन और कानून और जमहूरियत की बात करते हैं, आपकी 17 सीटें 18 सीटें नहीं है, आप इधर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, उधर आप कोई एक उठाए, मरियम नवाज हारी हुई, शहबाज शरीफ हारा, हमजा हारा, नवाज शरीफ हारा, अल जजीरा ने क्या कहा है कि जितने वैलिड वोट्स हैं उससे भी ज्यादा नवाज शरीफ को वोट डाल दिए गए। आप किसी जगह भी कोई खड़े होने के काबिल है, कहते हैं जी हम जेलू में गए, भाई किस मुंह से डिपार्टमेंट में आपकी पूरी फैमिली आपके पास कोई दराय नहीं है। और एक बात मुझे बताएं, गंदम स्कैंडल का कौन जिम्मेदार है? आज दुबई लीग्स में जो लोग उनके नाम है कौन जिम्मेदार है इनको नजर आ रहा है? सिर्फ एक शख्स, इमरान खान के खिलाफ चौथा पांचवा दसवा 203 मुकदमा बना दिए और भी बनाते चले जाओ। बात यह है कि अगर इस मुल्क में आईन है, कानून है, मुल्क में निजाम इंसाफ है और जमहूरियत है तो आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना कोई भी कौम हो, मुआशरा हो, मुल्क हो, निजाम इंसाफ के बगैर, जमहूरियत के बगैर, कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है हमारी तमाम पार्टीज जब हुकूमत में होती हैं तो उनके जो है वो तर्ज सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। और ये जो बातें आप बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब, एंड आई कॉन्ट डिसग्री विद दैम, बट ये अपोजिशन में ही आके याद आती हैं, खा वो कोई भी पार्टी हो। मायजा साहिबा आपकी तरफ आती हूँ, माजरत के साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं दैट मेयरली टैंटामाउंट्स टू लिप सर्विस, बिकॉज एक तरफ तो जो आपका कॉल ऑफ फेल है उसमें बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आ रहा है, आपको मैंने सुनवा दिया एहसन इकबाल साहब क्या बात कर रहे हैं, इसी तरह की बातें राना सनाउल्ला साहब कर रहे हैं कि इसको जेल में ही रहना चाहिए, फिर जहाँ ये पार्टी निकलती है एहतजाज के लिए, पुरमन एहतजाज के लिए, आप वहाँ पे 144 का नफाज कर देते हैं, आप इनके लोगों को नज़रबंद कर देते हैं, नए केसेस की भी जो है वो बात हो रही है पंजाब में, जिस किस्म का आप जो डेफिमेशन लॉ जो लाए हो, खैर वो तो चैलेंज हो गया बट उसका भी टारगेट जो है वो इमरान खान और उनकी पार्टी ने बनना था। हैविंग सेड दैट, इस तरह की अगर चीज़ें चलती रहेंगी और फिर इसको कपल करें जो पहले हम बात कर रहे थे जो पंजाब असेंबली में हो रहा है, तो जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो कहाँ से आएगा? वो कॉल और फेल में इसलिए तो तजाद नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देना चाहते, दूसरी तरफ कहते हैं जी हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। आईन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे मेरे भाई, आईन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट जो है वो जिस तरह इलेक्शन हुए, इलेक्शंस जो हैं फ्री एंड फेयर हुए हैं, हर पार्टी को रिजर्वेशंस हैं। अगर पीटीआई ये बयानियां बनाना चाहती है और बार बार रिपीट करना चाहती है कि हम ये जीते हुए हैं तो हम वो जीते हुए हैं, तो कोर्ट्स हैं उसमें, ट्रिब्यूनल्स हैं ये काम करने के लिए। ये कहना बड़ा आसान है घर में बैठ के कि हम जीते हुए हैं, ये चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं ओवर टाइम। इन्होंने जब मियां नवाज शरीफ साहब पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक़्त भी यही तमाशा बनाया था और धरना किया था, तो उसका टू वॉट एंड? बात यह है कि ये बयानियाँ जो है ये सही नहीं है। अगर आपने, आपको लगता है आप हारे हैं तो आप लीगल रास्ता इस्तेमाल करें। मुझे नहीं लगता कि जो है कोई भी जो हारती है पार्टी उसको रिजर्वेशंस होती हैं। पीएमएलएन को भी बहुत रिजर्वेशंस थी जब पीटीआई हुकूमत में आई थी, लेकिन हमने धरने नहीं दिए थे, हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से जो है कोर कमांडर हाउस में जो है वो जाने की कोशिश नहीं की थी। मेरे भाई ने मुझे अभी कहा कि लॉबीज जो है वहाँ पे इंटरनेशनली आपका जो है, आपने कभी किसी इंडियन को देखा है कि वो जो है अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है रेजोल्यूशन पास करा दे? मैंने तो नहीं देखा। तो पाकिस्तानी जो इंडियंस जो पाकिस्तानी वहाँ पे हैं वो लॉबीज़ को वहाँ पे पैसे दे के एक रेजोल्यूशन पास करा देते हैं, तो उनके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी है, तो व्हाट ये क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की जो है सपोर्ट में इतने पागल हो गए हैं, एक कल्ट की सपोर्ट में इतने पागल हो गए हैं कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ जाएंगे? पहले 9 महीने ही किया, वो बदनाम नहीं हुआ मुल्क? तो मैं ये समझती हूँ कि ज़रा सोच समझ के मैच्योर तरीके से पार्टी को, पीटीआई को
पॉलिटिक्स में जो है वो काम करना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं उनको जेल में क्यों रखा गया है? इमरान खान साहब को तोशाखाना की वजह से जेल में रखा गया, उनको करप्शन की वजह से जेल में रखा गया, उनके केसेस चल रहे हैं, अगर वो निकल आते हैं तो जो ये जो बहुत बड़ा आता है ना कि वो बार बार कहा जाता है वो जेल से निकल जाएंगे तो पता नहीं क्या कर लेंगे, यही जो है डर जो है इन्होंने, ये समझते हैं कि बहुत ये डरने वाली बात है। ये पहले तो निकल नहीं रहे थे माशाल्लाह से अपने घर से, तो फिर आप नए केसेस नहीं बनाएंगे ना? जाया गया जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग, आई होप नए केसेस नहीं बनाएंगे। अगर वो कम आउट, देखिए आई डोंट बिलीव हमने नहीं निकालना, उनके केसेस हैं, कोर्ट्स ने उनको इजाज़त देनी है, अगर कोर्ट्स उनको इजाज़त देते आ जाएं, और जब वो आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जितना पहाड़ बनाया हुआ है इस चीज़ को वो उतना ज़्यादा जो है वो होगा। ये बस एक परसेप्शन बना रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इमरान खान साहब जेल से आएंगे। जेलों में तो मियां नवाज शरीफ साहब भी होके आए, जेलों में उनकी बेटी होके आई, बेनज़ीर साहिबा होके आई भुट्टो साहब के साथ। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो परसेप्शन है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहा है, इमरान खान साहब एक चोरी करके बाहर आ रहे हैं तो हम उनके गलों में हार डालें आए, और ये कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं है। सियासी इंतकामी कार्रवाई वो है उनके, लेट मी रिमाइंड मारिया, मेरे भाई को रिमाइंड कराऊं कि हमारे पंजाब में जलसे नहीं होने देते थे पीडीएम के, हमारे पंजाब में मुल्तान में आई बिलीव जो है जलसे गाह में पानी छोड़ दिया जाता था ताकि हम लोग वहां पे जलसा ना कर सकें, इनके पास लोग ही नहीं है आके जलसा करके दिखा दें, किस चीज से डरते हैं? नहीं तो लोग अगर 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 लोग नहीं हैं तो आप दफ़ा 144 लगा के इनके लोगों को अरेस्ट क्यों करते हैं, फिर इनके लोगों को नज़रबंद क्यों जो है वो आई बिलीव क्या लोगों को पीएमएलएन के लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता था, क्यों कर रहे हैं? तो फिर यही बात है ना, एक तरफ आप कह रही हैं कि उनके पास लोग नहीं है, दूसरी तरफ आप उनको जो है निकलने की इजाजत नहीं दे रहे। मैं बताती हूँ मारिया, मारिया मुझे इसका जवाब दे दे, राइट ना, आपने ये बात की, मैं सब बहुत लंबी बात हो गई। हाँ नहीं, मुझे सिर्फ एक जल्दी से बता दीजिए बात करने दी शोएब साहब को, मैंने लंबी बात नहीं की, आपने बहुत लंबी बात की है जी। हमारे अच्छा हमारे लोग बड़े जेल में थे, हमारे लोग तो बहुत ज्यादा जेल में थे, हमने जलसे जुलूस तो नहीं रोक लिए थे, ठीक है? इनके लीडरान अगर जेल में हैं तो इनके सपोर्टर्स आके जलसा करके दिखा दें, जलसे में लोग ही नहीं आने, इनके पास इतने वो लोग ही नहीं सपोर्टर आके जलसा जो है तो मत अरेस्ट करें ना, मत अरेस्ट करें, 144 ना लगाएं 144 इस पे आप नहीं आती है, ना लगाएं 144। मैं जरा अथर काजमी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, अथर काजमी साहब जो बातें मायजा साहिबा कर रही हैं और जो बातें इनके दीगर लीडरान कर रहे हैं उससे तो ये नज़र आ रहा है कि दे डोंट वांट टू प्रोवाइड दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एंड दैट एक्चुअली लेंस क्रेडेंस टू द फैक्ट कि इमरान खान साहब एक खतरा इनको लगते हैं, बार बार ये बात रीइन्फोर्स हो रही है। देखिए मायरा साहबा हो, मायजा अमीर साहबा हो या दीगर दोस्तों जो बातें करें उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तल्ख हकीकत है। माजी में नून लीग के साथ भी ज्यादतियां हुई, पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादतियां हुई, ये सारे इस सिस्टम का किसी ना किसी मौके के ऊपर एक तरह से विक्टिम रह चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है आप देखें ना, वो अगर मुल्तान की जलसागाह में पानी छोड़ दिया जाता था That is something else. लेकिन आप पूरी जमात को किसी जगह पे जलसा जुलूस करने की इजाजत ना दें, क्या वो जो पानी छोड़ा गया था उसमें अब मछलियां आ गई हैं ताकि एक दफा 144 लगा दी गई है कि खुदा ना खास्ता मछलियां पांव के नीचे आ जाएंगी, क्या वजह है कि इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं मिल रही? वो जो मैंने कहा ना कि नॉर्थ कोरिया बना दिया है, जब से पीडीएम की हुकूमत आई है इस्लामाबाद में मुल्क के दारुल हुकूमत में जो ही कोई जिक्र होता है जी दफा 144 नाफिज है, क्या ऐसे हम पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पे आओ इन्वेस्टमेंट करो? लेकिन हमारे मुल्क में हालत ये है कि कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती दारुल हुकूमत में, तो दुनिया फिर ये देखती है ना, तो ये है वो लॉबिंग। अभी इन्होंने अमरीका की बात की कि जी अमरीका के खिलाफ वो जो अमरीका के खिलाफ करारदाद आई उसमें पीटीआई वालों ने साथ नहीं दिया, अगर अमरीका ने मुदाखलत की है तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उन्होंने अमरीकी सफीर को बुलाया था, डी मार्च किया था, इन्होंने करारदाद मंजूर की है, कल बुलाएं अमरीकी सफीर को, सुबह उसको डी मार्च करें, क्यों नहीं उसको डी मार्च कर रहे, उसको कहें कि जनाब आपने जो हरकत की है वो मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हालात है उनको देखने की जरूरत है कि ये करारदाद आई क्यों है, क्या भारत में कभी इस्तेहकाम है भारत पार्टी बनी है? भारत में अभी इलेक्शन हुए, 1 अरब लोगों ने तकरीबन वोट डाला है, कोई वहां पे शोर पड़ा कि यहाँ पे रिगिंग हुई है? देखिए ये वो बुनियादी चीजें, और जो करारदाद आई है वो किसी हुकूमत
या किसी एक जमात की नहीं, वो उस ऐवान के 85% अराकीन ने उसके हक में वोट डाला है, सॉरी वोट उसमें डाला, और उसमें से भी 95% ने उसके हक में वोट डाला है, रिपब्लिकन्स ने भी और डेमोक्रेट्स ने भी। तो ये शो करता है कि जनाब कुछ ना कुछ मसला है, जो तौर तरीका हमने अपनाया हुआ है, चाहे वो ख्वातीन वर्कर्स हो जाएं, दीगर सियासी मुखालिफ हो जाएं, तो यहाँ पे हमें पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, कोई सिर्फ किसी एक जमात का नहीं। मेरे ख्याल में जो हम इमेज भेज रहे हैं पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, और अब अमेरिकी कांग्रेस अगर उस पर इस किस्म की करारदाद लेके आती है और अगर पैसे दे के लॉबिंग हो जाती है, तो हुकूमत के पास तो पीटीआई से ज्यादा पैसा है, हुकूमत भी करवा ले फिर लॉबिंग, भारत भी करवा ले लॉबिंग, ऐसी बात नहीं है। अगर पीटीआई इतनी स्ट्रांग है तो फिर ये हुकूमत इनको इमरान खान साहब के हवाले कर देनी चाहिए। अगर 85% या 95% आपकी कांग्रेस अमरीका की पीटीआई के साथ है, तो मेरे ख्याल में फिर तो ये हुकूमत उनको दे देनी चाहिए। कलामी की माफी मेरे लिए और आपके लिए, मेरा ख्याल है लमा फिक्रिया ये होना चाहिए और ये है भी, कि जिस किस्म का हमारी पोलराइजेशन है, जिस किस्म की हमारे जो हैं ये लोग डिवाइडेड हैं, जो कि अपने बारे में हर पार्टी अपने बारे में सोच रही है, ये किस तरह एक सफ़े पर आएंगे, जबकि अब बाहर से लोग आके हमें बताना शुरू हो गए हैं कि आपका जो है वो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आता, आपका पोलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आता, लेकिन जिस किस्म के इस वक्त जिस नहज पर हमारी सियासत चली गई है, मुझे तो आई डोंट सी एनी रे ऑफ होप। देखिए डॉक्टर साहब, इधर बार बार पाकिस्तान में एक बात कही जाती है जी, तकसीम की सियासत, लोगों को तकसीम कर दी, कि भाई सियासत तो होती ही तकसीम की है, इसलिए कि हर किसी का नजरिया होता है, लोग उसको वोट देते हैं, यहाँ पे एक साथ बैठने की क्या जरूरत है। नहीं, लेकिन असल काजी साहब, यहाँ पे तो नजरिया जो है कश्मीर पे भी जो है हम इकट्ठे नहीं होते, टेररिज्म पे हम इकट्ठे नहीं होते, हमारे तो बहुत बेसिक्स पे हमारे जो है वो पोलराइजेशन है ना, या तो ये बाकी मुल्कों में तो तकसीम की सियासत समझ में आती है, यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और हमारी पार्टीज जो है वो एक इधर जा रही है और एक उधर जा रही है। इश्यू ये है डॉक्टर साहब कि क्या यहाँ पे आईन और कानून पे अमल दरामद हो रहा है? तकसीम, नफरत, कुछ भी आपने खत्म करना है, उसका वाहिद तरीका है आईन और कानून की अमलदारी, या जहाँ पे जिसको वोट पड़े उसके लिए वोट निकले, तो वो जो भी पॉलिसी बनाएगा वो मेजोरिटी की पॉलिसी होगी, हो सकता है कि कुछ लोग उससे अग्री ना करें, तो बुनियादी चीज वही है कि यहाँ पे आईन और कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, अपनी मंशा के तहत होता है चीजें, तो उस वजह से इशू है। बाकी दुनिया भर में कोई भी किसी भी जमहूरी मुल्क में, आप अमरीका में देख लें, ट्रंप और बाइडन की आप डिबेट देख लें, आप बर्तानिया में लेबर और कंजर्वेटिव को देख लें, फ्रांस में आप राइट विंग वालों को देख लें, हर जगह पे तकसीम होती है। इश्यू यह है कि हर कोई आईन और कानून के अंदर काम करता है, यहाँ पे मसला ये बना हुआ है कि आईन और कानून के मावरा जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसकी वजह से इतना ये मसला जो है गंभीर हो रहा है। अच्छा शुएब शाहीन साहब की तरफ आऊंगी। शुएब साहब, एक तो चले जो हुकूमत वक्त और जो एलाइड पार्टीज उनके अपने इशूज हैं, लेकिन दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि ये तो ऑब्वियसली आपको स्टॉप करते हैं, मैंने पहले कह दिया, रोकते हैं आपकी राव में जो है वो एक इम्पेडमेंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि आप उस तरह इनको चैलेंज ना कर सकें, आप एहतजाज ना कर सकें, आपको रोक सकें, लेकिन कुछ पार्टी के अंदर भी आपके जो हैं वो इश्यूज चल रहे हैं। आज ही हमारी सारी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी हेडलाइंस थी कि जुनेद अकबर साहब ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है, इसी तरह शंदाना गुलजार साहिबा को पूरा हफ्ता जो है वो कोर्ट किया गया कि पार्टी के अंदर, कोर कमेटी के अंदर, सियासी कमेटी के अंदर डूबियस लोग जो हैं वो शामिल हैं। क्या आप समझते हैं ये भी एक इशू है जिसकी वजह से आप खान साहब के लिए, जिस तरह आपका वोटर सपोर्टर आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप रैली कर सकें, आप उनके लिए जो है वो सपोर्ट जो है वो शो करें, वो उस तरह आप नहीं करते, ये आपके अब अपने लोग ये बात कर रहे हैं कि हमसे ये सवालात होते हैं जिनका हमारे पास जवाब नहीं है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं किसी किस्म का, कोई इब्हाम नहीं, कोई दूसरा इशू नहीं, कोई भी पार्टी हो उसमें एक दो बंदों की इंटेंशनली आर अनइंटेंशनल डिफरेंट राय हो सकती है और वो हुआ करती है, आपने देखा है कोई भी पार्टी आप उठा रहे, और हमारी जमहूरी पार्टी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई नेक नीति के साथ कोई अपनी एक राय देता है वो दे, लेकिन अगर उसमें नेक नीति है। 21 लोगों का एक कॉलर ब्लॉक की जो है वो बात हो रही है, जो लोग कह रहे हैं कि हम ऐवानों में बैठ के क्या करें, हम खान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये शंदाना साहिबा का गलत इंटरव्यू है, जो एग्जैक्ट वर्ड से डूबियस लोग हैं, डूबियस लोग जो उन्होंने कहा, ये गलत है? नहीं देखिए गलत बात है, अगर एक बंदी खातून या कोई बंदा उठ के गलत बात कर दे तो उसको हम गलत कहेंगे,
बात यह है कि अगर कोई आपका एतराज है, सबसे पहली बात यह है कि आप पार्टी के अंदर इख्तलाफ करें, पार्टी के अंदर बात करें। आप अगर कोई भी शख्स इस तरह उठ के बात करेगा तो खान साहब ने कह दिया है जो ग्रुपिंग करेगा वो पार्टी से मैं निकाल दूंगा। मीडिया के सामने उन्होंने बात किया, ये कहना कि फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये है वो है, ये सारा ड्रामा है एस्टैब्लिशमेंट का और उसके जरिए ये बातें फैलाई जाती हैं। फिर एस्टैब्लिशमेंट का ड्रामा कैसे आप कह सकते हैं जब अपने लोग आपके ये सवाल आके उठा रहे हैं? चंदाना साहिबा का ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, हमसे लोग सवाल करते हैं कि खान के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते जी। मुझे ये बताएं कि शांदाना गुलजार मेरे साथ कई प्रोग्रामों में गई है, हमने लाहौर में परसों रैली निकाली है बहुत बड़ी पूरे माल रोड पे, आपने देखा है, मैंने कराची से लेकर सखर तक 22 स्टेशन पे मैंने खिताब किया है, सबसे बड़ी ट्रेन मार्च की है, मैं खुद करके आया हूँ, मैंने लीड किया है उसको। अली आदिल शेख हमारा प्रेसिडेंट है सिंध का, वो उसमें साथ मौजूद था, सिंध के इतने मैंने प्रोग्राम किए हैं, क्वेटा में हम कर रहे हैं। तो आपके अपने लोग फिर ये बातें क्यों कर रहे हैं, फिर ये क्यों बातें कर रहे हैं, फिर शंदाना साहब क्यों बातें कर रही हैं? क्या और आप जैसे आप कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट का बनाया हुआ है, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के कैंप में चली गई है, वो भी उनकी जबान बोल रही है। कोई बंदा या कोई बंदी बात कर रही है तो आप उससे पूछें कि आप क्यों कर रही हैं, पूरा मीडिया आपके सामने सब कुछ मौजूद है। हाँ, आपको अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आप पार्टी के अंदर आए, बात करें, आए लीड करें, कल दें आप, हम पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अथर काजमी साहब, क्या पीटीआई को अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा या जिस तरह इनके लोग आके बता रहे हैं कि जी ये तो सारा ऐसे ही मीडिया के लोग जो है ये चीजें बना रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट का फैलाया हुआ जो है ये प्रोपेगेंडा है, डोंट दे नीड टू लुक इनवर्ड्स एज वेल? नहीं, बहुत सारे मसाइल हैं जी जमात के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में जो इनकी हुकूमत है, जुनेद अकबर साहब क्यों कोर कमेटी से हटे हैं, वो एसएचओ जो जुनेद अकबर को बार बार गिरफ्तार करते रहे, वो पुलिस अफसरान उनको अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने तरक्कियां दी हैं, उनको उनकी मनपसंद पोस्टिंग्स दी हैं, ये जुनेद अकबर साहब ने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा कि भाई आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते तो कम अज कम उनको नवाजो तो मत ना। तो बहुत सारे जमात के अंदर इश्यूज हैं, जमात के अंदर बहुत इश्यूज हैं और जमात को अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी, इस तरह नहीं चल सकेगा। अथर काजमी साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, शोएब शाहीन साहब और माजिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वी सी यू टुमारो, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।